अब वो समय आ गया है कि आज के एक और लीडर जिन्होंने इस सिस्टम से अपना ब्रांड न्यू 8-स्टार क्वालिफाई किया है और इस ऐतिहासिक पल में वनिता राजी के ब्रॉन्ज लाइन बनने में उनका भी नाम रहेगा, वो 8-स्टार बने और वनिता राजी ब्रॉन्ज लाइन बनी। तो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू कविता जी एंड योगेश कोहली जी, आपको पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ब्रांड न्यू 8-स्टार फ्रॉम सोलन हिमाचल प्रदेश, और आपके नाम के गेट खोल दिए जाते हैं और सभी के पास मौका है आप कविता जी को अपनी बधाइयाँ दे सकते हैं। बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कविता जी, बहुत बहुत मुबारक हो कविता जी, आप कविता जी 8-स्टार क्वालिफाई के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन कविता जी, कविता मैम, वेरी वेरी क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब लीडर्स, जबरदस्त। और आज ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम है कविता जी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और अगला जो लाइन है, लाइन लेवल ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ब्रॉन्ज बहुत जल्दी बनने वाली है आप, सिल्वर और गोल्ड के लिए मेहनत करिए, कुछ भी हो सकता है जब आप मेहनत करेंगी तो, क्योंकि आप पे वो शक्ति है, वो ताकत है, वो पावर है, वो क्वालिटीज़ हैं, गॉड गिफ्टेड। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ओवर टू यू, आपको कैसा लग रहा है, हाउ इज़ द जोश, वेलकम कविता कोहली जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू करना चाहूंगी सर, आपका, गॉड का, वनिता जी का, अपनी फैमिली का, बच्चों का, स्पेशली सर योगरा सर, और स्पेशली सर आपका, और सर अपनी टीम का, तनु मैम का, सर थैंक्स, दिल से थैंक्स करना चाहूंगी सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया सर, और ली जिन्योन सर का सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और सर आईडी नेट सिस्टम का, और अपनी टीम का सर, स्पेशली गीता जी, रेखा जी, संतोष जी, मनीता जी, राधा जी, और सारी टीम सर, वीना जी सर, उनके कारण सर मैं आज 8-स्टार बनी हूँ सर, थी तो मैं कुछ भी नहीं सर, कहते हैं ना कि जीरो थी, बिल्कुल जीरो। और सर स्टार्टिंग में जैसे पहले एक हाउसवाइफ थी, ट्यांस में आने से पहले सर क्रच का काम करती थी, और सर और भी थोड़े थोड़े सर पोस्ट ऑफिस का भी काम किया। सुपर, सर, सुपर, बिल्कुल, आप अपने बारे में बताएं, हम जरूर जानना चाहते हैं, बिफोर ट्यांस थोड़ा सा बताएं हमारे को, फिर आप ट्यांस में कैसे आई, ट्यांस में किस तरह की चैलेंज भी रहे आपके, और फिर उसके बाद आज आप 8-स्टार हैं, और अपने फ्यूचर को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं, सारी बातें बताएं, हम इंतजार कर रहे थे आपका काफी देर से। थैंक यू सर। सर वनिता जी मेरी बेस्ट फ्रेंड, इनका, इनके बेटा और मेरा बेटा सर साथ साथ पढ़ते हैं, तो सर ऐसे स्कूल जैसे हम जाते थे, तो सर वनिता जी ने ऐसे बोला कि आप ना लेडीज करो, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैंने कोई काम बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सर योगरा सर जी आए, सर डेमो दिखाया, तो सर बहुत अच्छा लगा। सर वही बात आ जाती है कि ना तो कंपनी पता थी, ना कुछ पता था कि है क्या, बस सर एक नेपकिन को देख के मैं इस बिजनेस में आई, और सर जब योगरा सर ने हमें बताया सर, ना कोई प्लान पूछा, पर ये था कि साइड बाय साइड, जैसे मैं क्रच का काम कर रही हूँ, साथ साथ साइड बाय साइड इस काम को करूंगी। और सर स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का सर, जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे वनिता जी ने बात की कि कविता जी आप काम करना, तो सर वनिता हस्बैंड ने बोला कि कविता जी तो बाद में करेंगे ना सर, पहले मेरी आईडी लगाओ। अरे वाह, क्या बात है, स्टार्ट किया, और हस्बैंड ने भी सिल्वर से स्टार्ट किया, और सर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, सुपर। और सर थैंक्स गीता जी का भी थैंक्स, टीम का थैंक्स, आईडी नेट सिस्टम का थैंक्स। सर वही बात आ जाती है कि कहते हैं ना कि पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, और ऐसे ही सर हमारे मेंटोर आप, योगरा सर, वनिता जी, भगवान तो नहीं है, पर सर मेरे लिए, पूरी टीम के लिए भगवान से कम भी नहीं है। और सर स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी सबका, ली जिन्योन सर का। और सर वही बात आ जाती है कि हम जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो सर वही बात है कि जैसे पापा, मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं, तो सर वही है किराया भी देना सर, टेंशन,
और हमारा नैपकिन में सर इतना दम है कि सर प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं सर लेडीज की विदाउट मेडिसिन. सुपर. और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर नैपकिन के और प्रोडक्ट्स के सर. और चैलेंजेस भी आए, जैसे हम जाते थे वनीता जी हमारे साथ जाते थे, मैं जाती थी, तो सर कहीं कई जगह ऐसे भी होता था ना कि बोलते थे कि हाँ आ जाना, और सर फिर बोलते थे कि नहीं टाइम नहीं है. वनीता जी बोलते थे नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म थोड़ा हो गई है. मतलब वनीता जी ने कभी नेगेटिव नहीं होने दिया. योगरा सर बोलते थे कविता जी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप करोगे बहुत अच्छा करोगे. और आज सर थैंक्स करना चाहूंगी वनीता जी का और योगरा सर का. आज हम मिले बैठे तो योगरा सर सबने मिलजुल के हमने सर उन्होंने हमारा मेरा 8 स्टार क्लियर किया. और सर थैंक्स करना चाहूंगी सबका. वही बात आ जाते है कि सपने हमारे, वही बात वनीता जी बोलते हैं जैसे सर आप भी बोलते हो कि सपने हमारे हैं. हम कोई क्या बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें हम क्या बोलते हैं हमें ये फर्क पड़ना चाहिए कि हमने क्या करना है. क्योंकि वही बात होती है ना कि ड्रीम, हम ड्रीमर हैं. yes. हम जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा. और सर थैंक्स करना चाहूंगी सबका, पूरी टीम का, जिनके कारण सर मैं आज 8 स्टार बनी हूँ. पूरी टीम का सर दिल से थैंक्स है. और थैंक्स करना चाहूंगी सर सबका. और सर अब एक ही टारगेट है कि खुद भी गोल्ड लॉयन बनना है और पूरी टीम को लेके साथ चलना है, टीम को भी गोल्ड लॉयन बनाना है. बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार कविता जी, आपने जो जर्नी तय की है इस पेंडेमिक में, तो पेंडेमिक में और क्या चैलेंज रहे आपके? इस पेंडेमिक में तो बहुत सारी चैलेंज रही है दुनिया को, फिर भी आप करते रहे. सर बस जब जाते थे तो पहले तो कई लेडीज कई बार बोलते थे कि अभी भी जैसे सर मैं अम्बाला भी गई तो सब वहां पे प्रॉब्लम वायरल चला हुआ था. जैसे मैं किसी से बोलती थी कि मैं आ रही हूँ आपके पास, मैंने आपको कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग बताना है, तो सर लेडीज बोलती थी नहीं कोरोना चला हुआ है नहीं आना. तो काफी चैलेंजेस रहे, नेगेटिव लोग मिले, पर सर हम वही बात है कि टिके रहे डटे रहे. वही बात होती है ना कि हमने नेगेटिव नहीं होना और पूरी टीम को टिके रहना और डटे रहना. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम गोल्ड लॉयन तक पहुंचेंगे सर. और सर वही बात है कि आप थैंक्स करना चाहूंगी दिल से सर, दिल की गहराइयों से. कि वही बात है ना कि कहते ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया. योगरा सर आप, वही बात है कि भगवान तो नहीं है ना आप लोग हमारे लिए, पर सर भगवान से कम भी नहीं है. तो थैंक्स. थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगी, मंजिल होगी कदमों में ऐसे सफर का वादा किया है, ना हारेगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है. तो थैंक्स करना चाहूंगी मैं सर सबका, सारी टीम का. और बहुत ही जबरदस्त कविता जी. और हमने टाइम टाइम पे सोलन में मीटिंग्स भी की और उस मीटिंग में आप लोग आते थे. जी सर. आप लोगों का हौसला उससे भी बढ़ता होगा, तो क्या महसूस करते थे? और अभी तो कन्वेंशन हुआ है हिमाचल में, आपने क्या महसूस किया? सर जोश ऐसा भरपूर था कि ऐसा लगता था कि मतलब कि हम कहाँ आ गए हैं. ऐसा प्लेटफॉर्म सर जिंदगी में कभी, ऐसा फंक्शन कभी नहीं देखा जो यहाँ पे फंक्शन हुआ था. और ऐसा जब गोल्ड लॉयन को सर कंधों पे उठा के लाए तो ऐसा दिखता था कि हम भी ऐसे आएंगे. बीना मैम को देखा और आपको सर और भी जो आए हुए थे लीडर्स उनको देखा, तो सर ऐसा लगता था कि मतलब 7 स्टार हूँ अभी, फिर 8 स्टार बनूंगी सर, फिर गोल्ड लॉयन बनेंगे, तो हमारा भी ऐसा वेलकम होगा सर जैसे आप लोगों का वेलकम हुआ. और सर पूरी टीम को साथ में लेके चलना है, गोल्ड लॉयन खुद भी बनना है और औरों को भी सर गोल्ड लॉयन अपनी टीम के साथ चलना है सर. तो अभी सर आप लोगों ने पार्टी की तैयारी कर ली होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल सर, आपकी वेट है सर. बिल्कुल, मैं तो आऊंगा पार्टी करने बिल्कुल बहुत जल्दी, क्योंकि अभी बहुत सारी गुड न्यूज आपने निकाल दी है हिमाचल से. और मेरे ख्याल में 19 तारीख को हम लोग लखनऊ में हैं 2-3 दिन, उसके अगले हफ्ते में जो है हम हिमाचल में ही हैं, जो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है योगराज जी द्वारा. तो हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आपने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है. और अपनी टीम में जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनके साथ दीजिए, उनको उनके साथ काम कीजिए, उनको गाइड कीजिए. और सबसे बड़ी बात है लोगों का मनोबल होता है, आपको मनोबल बढ़ाना है जैसे आपका बढ़ाया आपके सीनियर्स ने. जी सर. और बस हम सबका काम यही है कि हमें अपनी टीम की हेल्प करनी है और उनके साथ आगे जाना है. जी सर, थैंक यू सर. तो जबरदस्त है. और बाकी आपने और आपके हस्बैंड ने जो एक एज ए कपल बहुत अच्छा माहौल दिया, शुरू से ही आप लगे रहे, टिके रहे और फैमिली के साथ में आपने आगे बढ़े, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ. तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि आप वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर सकते हो,
और कोई नौकरी कर रहा है तो उसके साथ कर सकता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है उसके साथ कर सकता है, और कोई काम धंधा नहीं है तो फुल टाइम कर सकता है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्त। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इस पैनल में बहुत सारे लीडर से आप सुनती हैं, तो कुछ लीडरों के आप बता सकती हैं किससे आपने क्या सीखा है? जी प्रवीणा मैम से सीखा है कि जैसे प्रवीणा मैम गोल्ड लॉयन है, बहुत कम टाइम में उन्होंने छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने इतने स्ट्रगल किए, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और जैसे योगरा सर हैं, वनीता जी हैं स्पेशली, जो हमारी कहते हैं ना कि रोल मॉडल है, हमारी स्तंभ है, हमारा एक हमारी हिमाचल की शेरनी है, जिनसे सर हमारे उन्होंने मतलब टाइम टाइम पे हमारी जब भी कहीं बोलना बोलती हूँ ना कि सर वनीता जी महाजन, हाँ आई एम ऑलवेज विद यू सर, उनका एक ही बात होती है कि मैं आपके साथ हूँ, दो कदम आप चलो चार कदम मैं आपके साथ हूँ और आप काम करो। तनु मैम है सर, तनु मैम ने भी टाइम टाइम पे हमारा पूरा साथ दिया। योगरा सर है, योगरा सर आज भी बोल रहे थे कि कविता जी बिलासपुर से आप काम कीजिए, जगाधरी है, अम्बाला है, वहां चलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। तो सर सारे लीडर से हमने बहुत, मुकेश जी है और सर सब लीडर से हमने सर बहुत कुछ सीखा। आप हैं सर, आपसे तो सर ऐसी पावर आ जाती है ना कि चार्ज हो जाते हैं सर, हम फुल चार्ज। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। और बाकी आप कोई भी आपके मन में कोई बात है ऐसी फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप त्यांश में अपना कैरियर कैसे देखती है? जैसे अभी वनीता राजी ने अपनी फीलिंग बताई कि मैं फ्यूचर में जब तक मैं जिंदा हूँ, या जिस तरह की जो भी भाषा उन्होंने यूज की, अमेजिंग, उससे पता चलता है। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था आज से 19 साल पहले, ऐसी ही लैंग्वेज में यूज किया करता था, मैं आज भी करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तो मैं और भी कईयों को ना ज्यादा पावरफुल होकर करता हूँ, लेकिन मैं, मेरे पास जब कुछ नहीं था तो लोगों का हौसला देने के लिए, भाई साहब ऐसा नहीं है हम दिखेंगे नहीं यहाँ बाद में, तो लोगों को हौसला देता था मैं कि मैं तो जिंदगी भर हूँ यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो 20 साल का इतिहास है, आज 19-20 साल हो गए। तो आप लोगों को भी लोग देखते हैं तो सोचते हैं, जब ये शब्द आप लोग कहते हैं ना कि आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, त्यांश में कब तक काम करोगे, क्या सोचते हो आप त्यांश को लेकर, अपनी जिंदगी और त्यांश का मिलन जो है ना, इसको कैसे लिया आपने, बताएंगे? सर वही बात, जब तक सांस में सांस है ना सर, तब तक त्यांश है, त्यांश तो है, कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा त्यांश तुम्हारा नाम रहेगा, और हमारे हमारे जो खून में सर त्यांश है, सच में त्यांश है। और आपने अभी हिमाचल से काम शुरू किया है, चाहे सभी लीडर ने, लेकिन आप सबको पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां आपका बिजनेस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। कोई ऐसा स्टेट, 1000 शहर हैं आने वाले 10 साल में, ऑलमोस्ट हर शहर में आप लोगों के नेटवर्क होंगे, और फिर क्या हो रहा होगा वो सिर्फ वक्त बताएगा आने वाले टाइम में। धमाका होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई फाइनल मैसेज देना चाहती हैं आप तो दें, अपनी टीम को, अपने अपलाइन को और पूरी टीम को। सर अपलाइन का थैंक्स करना चाहूंगी, अपनी डाउन टीम लाइन का भी थैंक्स करना चाहूंगी, सबको थैंक्स है सर, जिनकी वजह से मैं प्रॉब्लम्स, जिनकी वजह से मैं 8-स्टार बनी हूँ। और सर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लोग तो नेगेटिव करेंगे, सबसे पहले सर अपने घर वाले नेगेटिव करेंगे जी। जैसे सर मैंने क्रच खोला तो लोग बोलते थे कि क्या तू बच्चों की पटकियां साफ करेगी, तू क्रच खोला है तूने, पर सर मैं टिकी रही। जब वही सर मैंने नीटिंग सीखी तो लोग बोलते स्वेटर बेचेगी तू, तू किस घर की लड़की है तू सर, फिर मैंने कागज के लिफाफे तक बनाए सर, लोग बोलते थे कि सर मैं कहां से न्यूज़पेपर उठा के लाती थी, मैं लिफाफे बनाती थी कि मैं कुछ करना है मैंने लाइफ में। धीरे धीरे लगे रहे, टिके रहे, भगवान ने कहा कि तू मेहनत कर रही है ना, तेरी मेहनत को हम ठीक उस पे लगाते हैं। तो सर ये त्यांश हमारी मेरी लाइफ में आई, और सर विजन क्लियर है, त्यांश से बहुत आगे मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि सर गाड़ी भी लेनी है, टूर भी अचीव करना है, और सर अपनी डाउन टीम को भी गोल्ड लॉयन और खुद भी गोल्ड लॉयन बनना है सर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और आप फाइनली अपना यहाँ से अपने वाणी को विराम देते हुए आगे जा सकती हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी दिल सब सबका, और लास्ट में यही बोलना चाहूंगी सर, बेटर त्यांश बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉयन एवरीवन सून, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आप ब्रॉन्ज लॉयन कब तक जा रही हैं और गोल्ड लॉयन कब तक जा रही हैं? सर बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी गुड, थैंक यू सर, बिल्कुल बहुत जल्दी है और जल्दी होनी चाहिए। आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता जी, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टिल नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त, ऐसे ही आगे बढ़ो, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ में है, ऑलवेज साथ भी है और आशीर्वाद भी है।